मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। Welcome to QuranRecites.com with our lectures of his renowned Islamic scholars, Nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and... उस पर मर गया, कभी भी अल्लाह की पकड़ और अजाब और आग से वो निकल नहीं सकता। दुनिया में सबसे बड़ा काम है लोगों को जहन्नम से बचाना। अगर इससे बड़ा कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को अता फरमाता। अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे मुकर्रब, सबसे प्यारे लोग अंबिया हैं। नबियों से बढ़कर अल्लाह ने किसी बादशाह को सलाम नहीं भेजा कि अल्लाह ने कहा होगा फलाम बादशाह को मेरा सलाम कहो। अल्लाह ने कुरान में जितनी दफा सलाम भेजा है वो नबियों को भेजा है। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन और सलामुन अलल मुरसलीन। सारे नबियों को मेरा सलाम। दुनिया में तब्दीली के आने का एक ही रास्ता है, वो ये दावत और तबलीग है। फिरौन जैसी ताकतवर हुकूमत थी और अल्लाह ने उसको ख़त्म करने के लिए और उसकी कौम को ईमान का पैगाम पहुंचाने के लिए नबी कोई भेजा, कोई लश्कर नहीं भेजा। अब थोड़े से लोग हैं अभी जो खड़े हो, कुछ और होंगे, देखने में आप बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और आपके कोई ज़्यादा आप में मालदार कोई नहीं है, कोई बड़ा आला तालीम याफ्ता कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं शुरू में तबलीग में लग गया। 1971 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, जब वहाँ मुझे तबलीग के काम का तारुफ हुआ। मेरे अपने कुछ दोस्त, मैं तो ज़्यादा तबलीग से मुतासर नहीं हुआ था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त मुतासर हो गए थे। वो मुझे ज़बरदस्ती 3 दिन के लिए ले गए। वो उनकी ज़बरदस्ती मेरे लिए रहमत बन गई। वो तो वहीं रह गए और मैं 3 दिन से 4 महीने कर दी। 3 दिन का निकला, 4 महीने पूरे करके वापस आया। तो 4 महीने के आखिर में मेडिकल पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया और मदरसे में दाखिल हो गया। तो शुरू में मैं रायगढ़ में ही चला गया, तो 150-200 आदमी होता था टोटल और मस्जिद खाली होती थी और बात ये हो रही होती थी सारी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है, क्या किया जाए। तो उस वक्त ख्याल आया करता था कि इतने से तो लोग हैं और ये सारी दुनिया की बातें करते हैं और हैं भी सब गरीब लोग। तबलीग में आने वाले 70 में सब देहाती, मेवाती, गरीब, शिकस्ता हाल लोग। हमारी जमात चली, हमारी जमात चली, एक पैदल जमात चली हमारी 1 महीने की। तो हो उस 1 महीने में हमारा रायगढ़ से जाना, फिर उस जगह से वापस आना, ये किराया भी, और पूरे महीने में हमने अपना ही पकाया, अपना खाया, हमारे 27 रुपए खर्च हुए, 27 रुपए पैसा। इतने थोड़े खर्च के बाद भी जमात के दोस्त कहते थे अमीर से, खर्चा कम करो, हमारे पास पैसे कोई, हम गरीब लोग हैं, खर्चा थोड़ा करो, ये खर्चा ज्यादा हो रहा है। एक दफा हमारे अमीर ने चावल मीठे पका दिए, बीच में गुड़ डाल दिया, तो 2 आदमी अमीर से लड़ पड़े कि तुमने गुड़ क्यों डाला है, तुमने पैसे हमारे ज्यादा खर्च करवा दिए, हम तो कर्जे उठा के आए हैं। एक उसमें बाबा था डेरा इस्माइल खान का, उसका नाम था खुदा बख्श, फौत हो गया रहमतुल्लाह अलैह। तो वो आया हुआ था 1 महीने के लिए मेरा। तो मैंने उससे कहा, बाबा तुम 1 महीने के लिए आए हो, ना चिल्ला ना 4 महीने। तबलीग में तो ये चिल्ला होता है 40 दिन या 3 चिल्ले होते हैं 4 महीने, तुम 1 महीना क्यों लगा रहे? वो कहने लगा, पुत्र मैं बहु गरीब,
اپنے زمانے پتر میں بہو غریب, میں بہت غریب ہوں, میں یہ چھولے کی رڑی لگاتا ہوں, چھولے کی رڑی, اور میری چار بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں, تو میں روزانہ چھولے بیچتا ہوں, اور اس میں سے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے تبلیغ میں وقت لگانا ہے, تو میں چار آنے کی روزانہ سیونگ کرتا تھا, اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی, چار آنے روزانہ سیونگ کرتا تھا, اور میں نے کوئی کتنا عرصہ, مجھے عرصہ یاد نہیں رہا, کتنا عرصہ میں نے چار چار آنے جوڑے, اور پھر اس کو میں نے آدھا کیا, بیوی کو دیا بچوں کے خرچے کے لیے, اور آدھا لے کر میں ریمیڈ آیا. اس میں ایک مہینہ لگ سکتا ہے, اس سے زیادہ لگ نہیں سکتا, یہ میرے اوپر بیتے ہوئے حالات ہیں. ایک فقر کا دور تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے, کیا تم ایسے بیوقوفوں کے دعوے کرتے ہو, نہ تمہارے پاس کوئی آدمی, نہ تمہارے پاس پیسہ, نہ تمہارے پاس پڑھے لکھے لوگ, تو تم کہتے ہو ساری دنیا ساری دنیا. لیکن بھائیو, اللہ نے مرنے سے پہلے ساری دنیا میں پھرایا اور دکھایا کہ کیسے تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا. پوری دنیا میں ایک اللہ کے نبی کی بشارت سنو. ایک سفر سے آپ واپس آئے تو آپ کا رنگ بہت پیلا پڑ گیا تھا اور کپڑے بھی سارے میلے ہو گئے تھے, تو فاطمہ آپ کی عادت یہ تھی جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے تھے, تو جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے تھے, تو آپ ان سے ملنے گئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی, تو آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہو گیا, کپڑے آپ کے میلے ہو گیا, رنگ آپ کا پیلا پڑ گیا. تو آپ نے فرمایا میری بچی نہ رو, ایک دن آئے گا اللہ تیرے باپ کے کلمے کو ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا, اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے وہاں وہاں تک اللہ اس پیغام کو پہنچائے گا. تو یہ حدیث ابھی تک باقی تھی زندہ ہونے میں. آج کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب یہ حدیث کا وعدہ زندہ ہونے والا ہے اور پورا ہونے والا ہے کہ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اس بات کو پہنچائے گا. دنیا کے آخری کناروں تک جماعتوں نے پہنچ کر اذانیں دی ہیں, نمازیں پڑھی. ناروے کے اوپر ہے نارتھ پول, اینڈ آف دا ورلڈ, جہاں آگے آبادی ختم ہے, پانی ہے. تو ہم گئے ناروے پچھلے سال, تو اس سے پچھلے سال تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے وہاں جانا ہے, وہ کہنے لگے ہم تو یہاں رہتے ہیں, ہم وہاں کبھی نہیں گئے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ادھر جا کے اذان دینی ہے, نماز پڑھنی, دعوت دینی. اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات پہنچائے گا. بس یہ شوق ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ پہنچے ہوں گے, پر میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ہو, یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس آخری کنارے پر بھی لیا تھا. تو وہ پھر مجھے ڈرانے لگے, 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, آپ تھک جائیں گے. میں کہا نہیں جانا ضرور, ہماری تو ادھر تھی تو نہیں تشکیل, پر میں جانا ضرور. تو خیر 2-4 ساتھی وہاں کے لیے کچھ اپنے وہاں سے ہم 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے, پھر وہاں سے آگے, وہاں ایک چھوٹا سا شہر تھا آلٹا, تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا, وہ بالکل ٹاپ پر ہے, وہاں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں, دسمبر جنوری, اور 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں, جون جولائی, یہ 2 مہینے ڈوبتا نہیں. تو وہ آلٹا دنیا کا آخری شہر ہے نارتھ میں, وہاں سے روزہ جماعتیں نکلی ہوئی تھی اور وہاں گشت ہو رہا تھا اور وہاں تعلیم ہو رہی تھی. کون تھے وہاں؟ صومالیہ کے مسلمان. صومالین جب نکلے تو مائگریٹ ہوئے تو مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے, صومالین مسلمان, انہوں نے وہاں مسجد بنائی بڑی خوبصورت چھوٹی سی,
वहां से रोजा जमात, तीन दिन की जमातें निकल रही थी, गश्त हो रहा था, तालीम हो रही थी। उन्होंने हमें गाड़ियां, ओ भाई तू ये मेरे सामने बैठा क्या कर रहा, तू मेरी सुन, तू उधर क्या देख, तू यहां टीचर बन के बैठा है तो मेरी सुनने बैठा, अच्छा तो मेरी सुन। तो वहां से उन्होंने हमें अपनी गाड़ियां दी, तो हम वहां से चार घंटे मुसलसल चले और आखिरी किनारे पर एक गांव है छोटा सा, इसकी 1.5-2 हजार आबादी। तो उसमें जो पहला मुसलमान हमें मिला, उसने कहा मेरे 10 दिन तबलीग में लगे हो। कैसे तबलीग के जा रहे हैं, रूट्स देखने में गया था, मेवाती अनपढ़ फिर रहे थे, उनको कही ये क्या दीन का काम करे, काम तो अल्लाह करता है, कोई इंसान थोड़े करते, जब अल्लाह लेने का इरादा करता है तो उसने खुद रुख से ले लिया। मैं अभी यमन गया जमात में, अभी यहां आने से पहले यमन गया हुआ था, तश्कील थी, तो वहां हम गए मलका बिल्किस का देखने के लिए, वो तख्त, वो सना से कोई 5-6 घंटे की ड्राइव थी। तो मैंने देखा 3000 किलोमीटर फलस्तीन और सन, और वो मआरिब जगह ना मआरिब है, वो उस जमाने की सबसे बड़ी तहजीब थी, और एक हुद हुद उस कौम के ईमान लाने का जरिया अल्लाह ने बना दी। और आपको अजब बात बताऊं, वहां के मकामी जो लोग थे ना, जिन्होंने हमें वो, वहां एक चौकीदार है, उसने गेट खोल के हमें अंदर लगे, उन्होंने बताया कि मुसलसल हुद हुद यहां मौजूद है, मुसलसल एक नस्ल चली आ रही। फिर हमने देखा उसका छोटा सा सुराख में वो था, अगर उसके पांव लगे हुए थे, वो खुद धूप थी सख्त, वो अंदर था, तो उन्होंने कहा ये तसलसल से चला आ रहा है सिलसिला। तो अल्लाह ने एक हुदहुद को पूरी कौम के ईमान में आने का जरिया बना दिया, कोई है अकल में आने वाली बात। और अल्लाह को उसका जाना इतना पसंद आया, तुम काम करने वाले बनो, तुम्हारा अनपढ़ होना, तुम्हारा गरीब होना कोई रुकावट नहीं बनेगा, काम करने वाले बनो। तो अल्लाह को हुदहुद का जाना ऐसा पसंद आया, पहले ना कुरान में जिक्र किया, वो अचानक गायब हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली तो वो था नहीं, कमाली अला अरल हुदहुद, अरे हुदहुद कहां है, अमकान मिन अल गाइबीन, या मेरे पूछे बगैर कहीं गायब हो गया, लअज़्ज़बन्नहु अज़ाबन शदीदा, आने दो मैं उसको ऐसी पिटाई करूंगा कि याद रखेगा, औ लअज़्बहन्नहु, या मैं उसे ज़बह करके खिला दूंगा, औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या मुझे कोई अच्छी खबर सुनाए तो फिर माफी होगी। जब हुदहुद वापस पहुंचा तो उसे परिंदों ने बताया तेरी गैर हाजिरी लग गई, आ जा तेरी खैर नहीं, या तू गया हांडी या तेरे पर गए। तो हुदहुद आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, ऐसे उनका तख्त तो हवा उड़ाती थी, तो आकर ना दरबार में आकर ऐसे गिरा और अपने पर यूं फैला दिए और ऐसे गर्दन ऐसे टेढ़ी कर दी और पांव यूं फैला दिए, आजजी और मस्कनत की यूं करके गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसने, उन्होंने आते ही अपनी माजरत पेश किया, जब वो मुसलमान हंस पड़े तो दलेर हो गया, किधर गए थे, अहत तो बेमालम तो हित भी, मैं वहां गया था जहां आपको भी पता कुछ, वजी तो कमिन सब इन बेनब इन यकीन, मैं कौम सभा की पूरी कारगुजारी लेकर आया हूं, इन्नी वजह तुम रहा तम तम लिखो हूं, मैंने एक औरत को देखा वहां बादशाही करती है, तो ऊंचियत मिन कुल्ली शरी, और उसका मुल्क सबसे बड़ा मुल्क है, वलहा अर्शन अज़ीम, उसका तख्त बहुत बड़ा तख्त, उस तख्त के हमने पाए देखे, तख्त हम कोई नहीं है, वो वाकई बड़ी बला कोई तख्त था, वयत्तहा वकौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि, और वो सारे सूरज की पूजा कर रहे हैं, उनका वो जो था टेम्पल जिसमें वो सूरज की पूजा करते थे वो भी खड़ा हुआ है, काफी सारे उसकी चीजें बिल्कुल सही सलामत, पता नहीं क्या बलाए थे कैसे उन्होंने बनाया। फिर उनका डैम बनाया था उन्होंने, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम था उस वक्त, वो उसके भी आसार मुकम्मल खड़े हुए हैं। तो एक पूरी तारीख बन गई और जरिया एक हुदहुद बना। करने वाला अल्लाह है, आप लोग काम करने वाले बनो, अल्लाह हिदायत की शक्लें कायम कर दे। वहां पहुंचे तो पहला आदमी जो मिला उसके 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लगे। फिर वहां से हम आगे 1.5 घंटे का आगे सफर था, उस गांव से आगे 1.5 घंटे का सफर था। तो
उस वक्त कोई रात के 12 बज रहे थे और सूरज अभी खड़ा था, 4 अगस्त था, तो अगस्त में सूर्य डूबना शुरू हो जाता, तुम्हारे पहुंचते पहुंचते सूर्य डूब गया, तो पता चला कि 25 मिनट के बाद सूर्य निकल आएगा, सिर्फ 20 मिनट उसने डूबना फिर निकल आना है, तो 20 मिनट में हमने मगरब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी, तीनों नमाजें पढ़ी, वो टाइम ही थोड़ा इतनी 20 मिनट की रात थी, पहले तो सूर्य चल रहा था, हम पहुंचे तो सूर्य डूब गया। अब वहां से पता चला वो जो हमारे साथ था वो जिसके 10 दिन लगे थे कि 20-25 मिनट बाद सूरज बाहर निकल आएगा, तो खैर गए तो इतनी शदीद ठंड और सर्द हवा, मैंने मफलर से लपेटा और गाड़ी से निकल के दौड़ लगाई, वो समंदर के किनारे ऊपर बड़ी हैबतनाक चट्टान दो जगह देखकर मैं मबहूत हुआ जिंदगी, एक हिमालिया पहाड़ को देखकर वो एक वो आखिरी किनारा देखकर, सारी दुनिया फिरी पर हैबत जो तारी हुई दो जगह। जा रहे थे हम खटमंडू से ढाका, तो कैप्टन ने ऐलान किया कि आज सब आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हिमालय पहाड़ पूरे साल में सिर्फ 10 दिन के लिए चोटी नंगी करता है, सारा साल ये बादलों से ढका रहता है, 10 दिन इकट्ठा नहीं होते, कभी एक दिन, कभी महीने के बाद एक दिन, कभी 2 महीने के बाद एक दिन, ऐसे तो कब वो साल में सिर्फ 10 दिन के लिए नंगा होता है, आज हिमालय पहाड़ से बादल कोई नहीं आप देख सकते हैं। आप यकीन मानो मैं इधर बैठा था, ऐलान सुन के उधर गया दूसरी खिड़की तरफ, तो देखकर मैं ऐसे हो ऐसी हैबत में रूप तारी हो, वल जिबाल औतादा, और हमने पहाड़ों को कील बना के गाड़ दिया। उस दिन मुझे पता चला कि जिसके कील इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा होगा, और एक वो आखिरी किनारा देखकर मेरे ऊपर हैबत तारी होगी। उन्होंने अजान दी जोर से, हवा सर्द, फिर एक छोटा सा वहां उन्होंने हाल बनाया था गर्म, जिसमें वो टूरिस्ट आके बैठ जाते थे, वहां आकर जल्दी से चादरें बिछाई और पहले मगरब की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सुन्नतें नहीं पढ़ी कि डर लग रहा था कि सूर्य न निकले, फिर साथ ही इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के साथ ही फिर फजर की अजान थी, और दो सुन्नतें पढ़कर फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर मैंने बयान किया, मैंने कहा अल्लाह सारे काम पूरे हो गए, तेरे नबी का पैगाम इन हवाओं ने सुन लिया, लोगों को तो हम सुना नहीं सकते, उनकी जबान नहीं आती। तो छोटी सी मस्जिद से चलने वाली मेहनत को अल्लाह ताला ने दुनिया के आखिरी किनारों तक पहुंचा दिया। आप काम करने वाले बनो, तबलीग करो सही, इसके लिए वक्त निकालो, और सबसे बड़ा अमल तबलीग का गश्त है, गश्त है। यहाँ के जो चीनी मुसलमान हैं उनको तबलीग में लगाने की कोशिश करो, हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम ऐसे फेरेंगे तो हो जाएगा, गश्त के सिवा और कोई, उनसे मुलाकातें रखो, उनसे मुलाकातें रखो, जो आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, आप खुशकिस्मत लोग हो कि आज की तबलीग की जुबान उर्दू है, हालांकि तबलीग की जुबान अरबी है, लेकिन अल्लाह ने आज तबलीग की जुबान उर्दू बनाई। अब यहां बैठे अरब थे, उनका तर्जमा हो रहा था, अरबों की जमात आई हुई है जद्दा से 40 दिन की, तो मैं मेरे जानने वाले थे सारे, तो यहां बैठे थे, मैं देख रहा था, तो उनका मेरी जो मेरे उर्दू का उनका अरबी में तर्जमा किया जा रहा था, हालांकि तबलीग तो अरबी में होती, कुरान अरबी में और हदीस अरबी में, और मेरा नबी अरब, उसकी जुबान अरबी, हम बैठे उर्दू वाले उर्दू में तर्जमा सुन रहे होते। अल्लाह ने क्या करके दिखाया कि हमारी अजमियों की जुबान तबलीग की जुबान है और तर्जमा अरबी जुबान में अरबों को किया जा रहा है, कितना अल्लाह का हम पर करम हो कि हम बराह रास्त अल्लाह की दावत की बात को सुन रहे हैं। तो जितने आप लोग यहाँ, आप बहुत से लोग दूसरे बैठे हुए जिनके वक्त नहीं लगे हुए, आपसे भी कहता हूं तबलीग के लिए, ज्यादा नहीं कहता हूं, 3 दिन कहता हूं, आप पाबंदी से 3 दिन जाना शुरू करें। उनके इस्तकबाल करें, उनको बिठाएं कम्युनिटी हॉल में, उनको इस्लाम की दावत दें, आपके जिम्मे उनसे बात करना है, वो मानते नहीं मानते ये मामला उधर चला जाता है, लेकिन आपके जिम्मे है कि उनके कोर्ट में आप बाल को फेंक दें। तबलीग का काम है मोहब्बत का, ये सख्ती का काम है। जुनैद जमशेद को पहले दिन मैं कहता है कि तू हराम कमाता है तो ये तबलीग में लगता जी, पहले दिन जब मेरी से मुलाकात हुई थी
मैं इसे कहता हूं तू हराम रोटी खाता है, हराम कमाता है। इसने खुद मुझे कहा एक दिन कि जो मोहब्बत तूने मुझे दी उसकी वजह से मैं जुड़ा रहा, वरना अगर तू एक दिन भी फतवा देता तो मैं तो गया था। तब मैं खुद कॉलेज में गुलूकार था, तो बेंजो उस वक्त होती, अब गिटार तो बाद में, मैं बेंजो बजाता था। तो जब मुझे तबलीग वाले दावत देने आए तो मेरे कमरे में बेंजो पड़ी थी, मैं बजाया करता था, गाया करता था। तो उन्होंने जरा भी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, अरे कोई करीब तो आए। अच्छा चलो, ये तो मेरी और जुनैद की बात हो, अब आपको अपने नबी की बात सुना था। एक फाहिशा औरत, फाहिशा बाजारी औरत, कौन भाई बाजारी, पेशावर औरत, आप तशरीफ फरमाते, खाना खा रहे तो उसका गुजर हुआ, कहने लगी अकेले बैठे खा रहे हो, हमें दावत ही नहीं देते हो। उसने तो मजाक उड़ाया, तो हमने कहा आ जा तू भी खा ले। वो आके बैठ गई, फिर कहने लगी ये नहीं खाऊंगी, जो तेरे मुंह में है ना नवाला वो निकाल के दे, मैं वो खाऊंगी। वो ठट्ठा कर रही थी और उसका मजाक वो कुब्बे नु लत पे सीधा हो गया, वो उसको सीधा पड़ गया कि नबी के मुंह से निकला हुआ लुआब जब उसके मुंह में जाएगा तो ईमान से कैसे बच सकती थी। तो आपने कहा मैं तैयार हूं, अपने अपने मुंह से नवाला निकाला और अपने हाथों से उसके मुंह में डाला, अपने हाथों से, इधर नवाला उसके मुंह में गया, इधर कलमा उसके अंदर दाखिल हो गया और वो मदीने की सबसे हया वाली औरत बन गई। उसूल आदाब तो मानने वालों के लिए होते हैं, जो जिन्होंने अभी माना ही नहीं उनके लिए क्या उसूल। नमाज की पाबंदी तो उनके लिए है जिन्होंने कलमा पढ़ा है। तो लोगों को करीब करने के लिए तबलीग दीन का सबसे बड़ा अमल मोहब्बत है, सबसे बड़ा अमल, इससे बड़ा कोई अमल तबलीग का जरिया बात है, लेकिन तबलीग जो अंदर उतरती है वो अखलाक से उतरती। आपस में भी मोहब्बत रखो और औरों से भी मोहब्बत करो और बुरे से बुरे को भी करीब करने में झिझकना महसूस करो। पता कौन कब उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। हमने 1996 में अदाकारों में काम करना शुरू किया, हमें रायमंड से तश्कील हुई क्या फिल्मी अदाकार और स्टेज के अदाकार, उनमें आप लोग काम करो। तो हमने लाहौर में जाकर डेरे लगा लिए और उनमें बात करने शुरू की। उनको उनके मिलने का टाइम होता था रात 12 बजे के बाद, जब हमारे सोने का वक्त होता था उनके मिलने का वक्त होता। ये जुनैद को भी कितनी दफा स्टेज से उतारा और लेकर मस्जिद में, मेरी गाड़ी पर आया, पीछे गाड़ी खड़ी होती थी, ये उतरता था और उसको गाड़ी में बैठाकर मस्जिद में ला दफा ऐसा। अब वो आए हुए हैं, किसी ने शराब पी हुई है, किसी ने चर्स पी हुई है, उनके मुंह से बदबू आ रही होती थी और हम उनका इकराम करते थे, उनको बैठाते थे, उनको खिलाते थे, उनको खिलाते थे। तो अल्लाह के फजल से अब ये हाल है कि कितने जितने स्टेज ड्रामे हो रहे हैं लाहौर में, सब में तालीम हो रही है। तालीम कब होती है? जब इंटरवल होता है, इंटरवल होता है तो सारे अदाकार पीछे इकट्ठे बैठ के तालीम कराते, और ये दुनिया की अजब तालीम का हल्का है, उसमें लड़कियां भी साथ बैठी होती, और जैसे वो नंग धड़ंग लिबास होता है उसी के साथ बैठी होती, उस नंग धड़ंग लिबास में तालीम सुनते 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 बीसियों बच्चियां शादी करके तौबा करके स्टेज छोड़ दी, और बड़ी बड़ी मशहूर लड़कियों ने हज कर लिया। मेरे साथ कई लड़कियों ने हज किया, मुझे कई लोगों ने ताने दिए कि ये कंजरियों को हज पे ले जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं पता नहीं कब मेरे रब की रहमत आए और उसके लिए हिदायत का फैसला हो जाए। अब हर साल 6 साल हो चुके हैं, 6 साल नहीं, 2001 से अब तक कितना हो गया, 11 साल, 11 साल हो चुके हैं, हर साल अदाकारों की जमात, लड़कियों और लड़के उनके हज पर जा रहे हैं मुसलसल मुसलसल। हम हज करते हैं 15 दिन में, वो पूरा चूल्हा लगा के आते,
तो जितने अदाकार गए हज पर, चूंकि उनके पास और कोई वसीला कमाई का नहीं ना, तो वो रोते हैं, रोते हैं कि दुआ करो कोई अल्लाह वसीला दे देता, हम ये काम छोड़ दें। शराब छोड़ गए, जुआ छोड़ गए, जिना छोड़ गए, तीन काम हर अदाकार के अंदर होते, तीनों काम छोड़ गए। एक वहां की मशहूर अदाकारा थी, तो वो मैं ऐसे अखबार पढ़ रहा था, उसका इंटरव्यू आया हुआ था, तो किसी ने उससे कहा आपने हज किया हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं जब करूंगी मौलाना तारिक जमील के साथ करूंगी। तो आगे उसने सवाल करने वाले ने सवाल किया, तो वो आपको ले जाएगा, मौलाना तारिक जमील साहब आपको ले जाएंगे अपने साथ? तो क्यों नहीं, वो नरगिस को ले गए थे, मुझे नहीं ले जाएंगे। हमारा काम तो मोहब्बत करना है और करीब करना है, उसूल आदाब तो बाद की चीजें हैं, पहले तो मोहब्बत है, करीब करना और लेना सबसे पहला काम। एक गश्त न छोड़ो, मिलो पीछे अल्लाह तुम्हारे पुश्त पर है। एक आपस में मोहब्बत रखो, किसी की कमियों पर उसकी पकड़ ना करो, सख्ती से मत किसी से बात करो। तबलीग का काम नरमी ही नरमी है, सख्ती है ही नहीं। आप अंदाजा लगाओ, ताइफ वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़ते हैं पर हमारी दो शर्तें, तो क्या कहा हम जिहाद नहीं करेंगे? आपने कहा ना करो। हम जकात नहीं देंगे? आपने कहा ना दो। इतनी छूट तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? जिहाद तो अल्लाह का हुक्म है, जकात तो अल्लाह का हुक्म, ये आप कैसे कह रहे हैं? कहा इनको कलमा तो पढ़ने दो, जब पक्के हो जाएंगे तो खुद ही करते रहेंगे। कलकत्ता में एक जब अंग्रेज दौर था, तो एक अंग्रेज मुसलमान हुआ, ऊपर से गर्मियों के रोजे आ गए, तो उसे मुसलमानों ने कहा अब रोजे रखने पड़ेंगे। तो उसने तीन रोजे रखने के बाद कहा इस्लाम दीन बड़ा अच्छा है पर मेरे बस का नहीं है, और इस्लाम छोड़ दिया। तो एक बड़े आलिम थे, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इतना वो रोए, कहने लगे मेरे बस में होता तो उसे तो उन रोजा रखवाने वालों को मैं सख्त सजा देता, अगर मैं होता मैं कभी उसे रोजे का ना कहता, मैं उसे कजा करवाता। जब वो इस्लाम पे पक्का हो जाता फिर गर्मी भी सहता और सर्दी भी सहता। तो भाई तीन मोहब्बत की चीज है, मोहब्बत से फैलता है, मोहब्बत से हमें भी लोगों ने मोहब्बत से करीब किया। तो भाई ये गुजारिश है, यहां बहुत तेज जिंदगी है, आप इसमें तबलीग का काम जम के करो। आप सारा जितना कम से कम मजमा बैठ गए हो, हर महीने तीन दिन की नियत करो, हर महीने हर हफ्ते अपने गश्त की नियत करो, अपने तालीम की नियत करो। जब अल्लाह आपको हिम्मत हौसला दे चार महीने के लिए, 40 दिन के लिए, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान जाओ, इंडिया को तो इंडिया जाओ।